विधानसभा चुनावों को लेकर क्या बोले कैबिनेट दर्जा प्राप्त मंत्री तुरसन पाल बरैया। खबर श्योपुर से है, जहां आज कोनो रेस्ट हाउस पर पधारे सहरिया विकास प्राधिकरण के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट दर्जा प्राप्त मंत्री तुरसन पाल बरैया ने हमसे बात करते हुए बताया कि इस बार विजयपुर विधानसभा से उन्हें भाजपा प्रत्याशी बनाया जा सकता है और यदि उन्हें टिकट मिलता है तो जनता के आशीर्वाद से जीत पक्की होगी। तमाम सारी सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए उन्होंने प्रदेश में फिर से बीजेपी सरकार बनाने का दावा किया है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए मंत्री जी के कहा कि ये तो झूठ की सरकार है, इस बार जनता उनके झूठ का हिसाब करेगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं सहरिया विकास प्राधिकरण के उम्मीदवार हैं। भाजपा लगभग तय कर चुकी है कि इन्हीं को टिकट इस बार दिया जाएगा और विजयपुर विधानसभा से इन्हें प्रत्याशी बनाया जा सकता है। जी मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके लिए। मंत्री जी, आपका चल रहा है चुनाव को लेकर, हम देख रहे हैं काफ़ी कि सर्वे में भी आप आगे आ रहे हैं और पार्टी लगभग आपको प्रत्याशी इस जो सूची जा रही होगी इसमें बना सकती है। किन उपयोगिताओं को लेके आप ये टिकट मांग रहे हैं? पहले तो देखो, मैं एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो संगठन है एकल अभियान, उसमें काम किया है मैंने। लगभग 1997 से मैं जुड़ा हुआ हूँ और विभिन्न दायित्वों का मैंने निर्वाह किया है। एक विद्यालय से लेकर के प्रांत लेवल तक के मैंने पूरी जिम्मेदारियाँ निर्वाह की हैं। क्षेत्र में पूरे एजुकेशन के क्षेत्र में मैंने ज़्यादा काम किया है। पूरे ज़िले में मैंने भ्रमण किया है, एक गांव में मैं रुका हूँ, सभी जगह मेरा परिचय भी संपर्क है। मेन उद्देश्य मेरा यही है कि आदिवासी समाज को समाज के विकास के लिए, उत्थान के लिए मैं ये संकल्पबद्ध हूँ कि मैं इनकी समाज के, अपनी समाज के लिए ही काम करता रहूँ और काम करने की मेरी इच्छा भी है। मेरा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, मुझे दर्द होता है कि सभी समाज जागरूक तो हो गए लेकिन आदिवासी समाज एक ऐसा है जो अभी तक उसी स्थिति में है। इन सभी परिस्थितियों को लेकर के उनका विकास हो, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो, और शिक्षा के क्षेत्र में आगे हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे हो, इन सभी समस्या को लेकर के मैं क्षेत्र में समाज में काम कर रहा हूँ, पहले से भी कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। अभी वर्तमान में मुझे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से शहरी विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है, तो मैं उन्हीं उद्देश्यों को लेकर के उनके बताए हुए कार्यों पर ही मैं क्षेत्र में समाज में कार्यरत हूँ, काम कर रहा हूँ और तन मन धन से मैं काम करता रहूँगा। अभी आपने सर कहा कि आपका समाज काफ़ी पिछड़ा हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। 20 साल से सरकार है सर, 5 साल से ही आदिवासी विधायक हैं सर, वो क्या कोई कार्य नहीं करा पाए क्या सर, विकास नहीं कर पाए सर अपने समाज का? नहीं, समाज का विकास हो रहा है, बहुत हो रहा है समाज का विकास, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की अच्छी सरकार है। हम जानते हैं कि पार्टी ऐसी है जो बड़े लोगों से लेकर के नीचे लोगों तक, महलों से लेकर के झोंपड़ी तक के लोगों के लिए, सबको एक साथ लेकर के सबका विकास, सबका सहयोग लेकर के काम कर रही है और आदिवासियों के लिए भी बहुत प्रकार की योजना चला रही हैं, उनका लाभ भी मिल रहा है, जैसे आवास योजना है और लाडली बहना योजना है और सभी प्रकार की तमाम योजना है, तीर्थयात्रा योजना है, युवाओं के लिए है, किसानों के लिए किसान ने दिए, तमाम प्रकार की योजना का लाभ मिल ही रहा है और अच्छे से अच्छी सरकार की योजना अच्छी चल रही है क्षेत्र में। सर, आपको अगर यहाँ से टिकट मिलता है, भाजपा आपको उम्मीदवार अपना बनाती है विजयपुर विधानसभा से, आप माननीय विधायक भी हो जाती हैं, क्या प्रमुख कार्य होंगे सर आपके विधायक बनने के बाद? देखो, समाज के लिए मैं पहले से ही काम कर रहा हूँ, अगर मुझको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो थोड़ा मेरा पावर भी हो जाएगा, तो मैं पावर के हिसाब से, मेरी पहचान के हिसाब से जो कमियाँ रह गई हैं क्षेत्र में उन पर विशेष ध्यान दूंगा। जैसे कराल है, कराल अभी वर्तमान में पंचायत है, उसको जनपद पंचायत या नगर पंचायत का दर्जा दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। और विजयपुर में भी जितने काम रह गए हैं, जैसे चैंटखेड़ा डैम है, उसकी घोषणा हो गई है, भूमि पूजन हो गया है, अगर मुझे मौका मिलेगा, मुझे जनता का प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलेगा, तो मैं उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करूंगा और पूरे प्रयास से उस पर काम करवाने का प्रयास करूंगा।
प्रदेश सरकार की सर अगर बात की जाए तो ये जितनी भी योजनाएं आई हैं वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आई हैं। इस बार सर ऐसा क्या सरकार को डर सता रहा है कि मुख्यमंत्री जी का चेहरा नहीं बताया जा रहा है और जो केंद्रीय मंत्री टिकट बांट रहे थे उन्हीं को प्रत्याशी बना दिया गया है? कहीं ना कहीं जो मौजूदा प्रत्याशी थे उस क्षेत्र के उनमें रोष है कि हम इतने सालों से तैयारी कर रहे थे और एकदम इतने बड़े हेलीकॉप्टर वाले नेता सीधे हमारे क्षेत्र में उतार दिए गए हैं। इसको सर अपन क्या समझें, भाजपा का डर समझें क्या सर इस बार हार का? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, भाजपा को डर नहीं है। भाजपा एक अच्छा संगठन है, जो संगठन की नीति जो सिस्टम है वो एक कार्यकर्ता के रूप में है, चाहे वो केंद्र का मंत्री हो चाहे प्रदेश का मंत्री हो, संगठन में सभी कार्यकर्ता हैं, सभी एक समान हैं और संगठन ही तय करता है। वैसे हमारे बीजापुर विधानसभा में 4-5 लोग प्रत्याशी के रूप में टिकट मांगने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं, किसी को 4-5 में से किसी को भी टिकट मिलेगा वो प्रत्याशी के साथ में पूरी कार्यकर्ता पूरी पार्टी के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता एक साथ लग करके और दोबारा पुनः भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुनेंगे। हम सब लोग मिल करके पार्टी संगठन जिसको तय करेगा उसके साथ में रहेंगे और रामनिवास की कोई बड़ी बात नहीं है, रामनिवास तो हमने भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी हराया था अब भी हराएंगे। आप सर कह रहे हैं रामनिवास जी कोई बड़ी बात नहीं है और इस समय सर लगता है कि रामनिवास जी से बड़ी कोई बात प्रदेश में नहीं है। विजयपुर में सर सभी जगह की जात्रा है, श्योपुर भी सर सीट फाइनल कर दी है, दुर्गालाल विजय जी प्रत्याशी बना दिए। विजयपुर में सर ऐसा क्या है कि पूरी भाजपा सर बौनी नजर आ रही है रामनिवास जी के खिलाफ, सर प्रत्याशी उन्हें नहीं मिल रहा है जो उसे हरा सके? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बोला कि 4-5 लोग प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, टिकट मांग रहे हैं, तो इनमें से किसी को एक को टिकट मिलेगा, संगठन जो तय करेगा पार्टी जो तय करेगी वो मैदान में उतारेंगे उसके साथ में। और ऐसा नहीं कि उसके साथ कोई कार्यकर्ता खड़ा रहने के लिए नहीं है, हमारे यहाँ तो विजयपुर विधानसभा में तो 5-5, 6-6 लोग उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं और जो संगठन तय करेगा उसके हिसाब से अपन पूरे कार्यकर्ता मिलकर के काम करेंगे। प्रदेश में सर भाजपा शासित प्रदेश ये माना जाता है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से चुनाव में वो जीतती आ रही है। महंगाई, बेरोजगारी एवं घोटाले में सर इसका नाम बड़ा उजागर होता है, ऐसी सरकार के लिए सर आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई तो देखो अलग काम अलग विषय है और घोटाला अलग है। व्यापम घोटाला तो सरकार का इसमें काम नहीं है, ना विधायक का काम नहीं, किसी मंत्री काम नहीं रहता है इसमें, तो कोई एजेंसी कराती है, जो वास्तविक में एजेंसी कराती है इसको तो जो गलत है तो वो उन पर सजा होना चाहिए, वास्तव में सजा होना चाहिए इसके लिए। बेरोजगारी भी मुद्दा है सर, रोजगार भी तो कहाँ उपलब्ध हो पाए सर, क्या कहते हैं? नहीं, रोजगार तो सबके लिए मिल ही रहे हैं, ज़्यादा इतनी बेरोजगारी नहीं है और ये तो समय है। अब बेरोजगारी की बात करते हैं अपन, तो महंगाई की बात करते हैं अपन, तो महंगाई तो सबके लिए समान है, ठीक है। किसान के लिए भी अभी किसान की फसल आ रही है, अब किसान की फसल की महंगाई नहीं होगी तो सस्ते भाव में जाएगी, इसलिए ऊपर की जो चीज़ है ना नीचे से निकल के जाती हैं, तो महंगाई का लाभ तो किसानों को ही मिलता है, मजदूरों को ही मिलता है, इसका लाभ सबके लिए मिलता है। मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है सर, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं चला जाऊंगा तो बड़ा याद आऊंगा, क्या माने सर, मुख्यमंत्री जी की विदाई हो रही है या इस प्रदेश से भाजपा सरकार की विदाई हो रही है सर, क्या माने? मुख्यमंत्री हमारे मध्य प्रदेश के 15-16 साल में उन्होंने जनता के लिए जनता जनार्दन के लिए काम किया है, उनकी आत्मीयता है, प्रदेश में दिल है, ऐसी भावना तो छोटी मोटी भावना में तो आ ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारा अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान हैं और अभी पार्टी ने किसी को तय भी नहीं किया कि फलाना व्यक्ति आगे अपने शासन में मुख्यमंत्री रहेगा, ये भी तय नहीं किया। जो पार्टी तय करेगी या दोबारा उन्हीं को भी तय कर सकती है या किसी कार्यकर्ता को भी तय कर सकती है, जो हमारा मुख्यमंत्री तय होगा वो अच्छा काम करेगा, अपने दोबारा से अच्छा काम करेगा समाज के लिए। सर काफ़ी सारी योजनाएं आई हैं सर, लाडली लक्ष्मी योजना आई हैं, लाडली आवास भी आए हैं और सिलेंडर भी सस्ते हुए हैं, चुनाव के समय क्यों सस्ते हुए हैं सर? ये चुनाव के समय क्यों महिलाओं का दुख दर्द सीएम साहब को याद आया? ये महिलाओं का दुख दर्द तो सर जब सूखा पड़ा था तब भी उन्हें याद नहीं आया। लोग सर बड़ा तंज कसते हैं कि चुनाव आ गए हैं तो फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, योजना तो हमारी सरकार बनी,
उसी समय से ही संचालित हैं, चालू हैं सभी प्रकार की योजना। इसमें चुनाव का कोई सिस्टम नहीं है। देखो, लाड़ी लक्ष्मी योजना पहले से ही चालू है, उसका थोड़ा नाम परिवर्तन किया है। पहले आदिवासी महिलाओं को 1,000 रुपये पोषण आहार के रूप में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो योजना चलाई है उसमें दिए जा रहे हैं, और अब उसी का नाम लाडली बहन योजना अभी किया है, तो उसमें कोई चुनाव संबंधी कोई विषय नहीं है। तो योजना चल रही है अपनी, शुरू से चल रही है और भी चल रही है योजना, चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं है। अच्छी योजना है सर लाडली बहन योजना, हम भी मानते हैं महिलाओं को इसमें सम्मान मिला है, लेकिन सम्मान के चक्कर में सर चक्कर बड़े काटे जा रहे हैं कार्यालयों के, कहीं DBT, अब सर जो आवास योजना आई है तो उसमें पंचायतों में लंबी लाइन लगी हुई है सर। इस प्रक्रिया को सर जटिल बना दिया जाता है, जब देना ही है तो सर सरल तरीके से क्यों नहीं दी जाती ये योजनाएं? इसमें देखो, कोई भी योजना प्रारंभ होती है नई योजना तो लोगों की भीड़ तो लगती है, स्वाभाविक है, सब चाहते हैं कि मुझे लाभ मिले मुझे लाभ मिले। लेकिन कुछ भी जो नियम है शासन का, कार्य का नियम है, जो कार्य की पूर्ति तो करनी पड़ेगी। इसमें समय भी हमने बहुत लंबा दिया है, सबका काम ठीक प्रकार से हो जाए और जो पात्रता में आते हैं उनके फॉर्म भरे जाएं, सबके फॉर्म भरे जाएं जो इस लाभ से वंचित ना रह पाए। इसलिए प्रारंभ में भीड़ रहती है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है उसमें, कार्य पूर्ति तो करनी पड़ेगी, तभी तो पता चलता है कि ये व्यक्ति वहीं का है, इसलिए थोड़ी बहुत कागज़ तो लेना पड़ता है, और इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं आती है। प्रारंभ में सब लोगों की भीड़ तो ऐसे रहती है, लेकिन समय के अनुसार, समय भी ज़्यादा है तो उनका ठीक प्रकार से आवेदन और फॉर्म भरते हैं, भरे जाएंगे, वो उनको सबको लाभ मिलेगा। प्रदेश स्तर पर तो सर भ्रष्टाचारी का आलम है ही, लेकिन विजयपुर विधानसभा के कराल में ना विजयपुर में भी सर भ्रष्टाचार की तमाम सारी चीज़ें अभी जो नवागत कलेक्टर आए उन्होंने उजागर की सर। इतने बड़े भ्रष्टाचार सर आपके रहते हुए हो जाते हैं सर, आप भी वहीं निवास करते हैं, इन भ्रष्टाचारियों के लिए सर आप क्या कहेंगे, जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं तमाम सारी चीज़ों में, ऐसे अधिकारियों के लिए सर क्या कहते हैं? कहीं ना कहीं सर सरकार की छवि भी तो सर इससे धूमिल होती है। भ्रष्टाचारी के लिए देखो, हमारे कलेक्टर साहब ने कुछ विषय बंधु उजागर की है, वो ठीक है। मैं भी जो भ्रष्टाचारी कर रहे हैं अधिकारी कर्मचारी लोग, उनको मैं भी चिन्हित कर रहे हैं, हम भी लोग चिन्हित कर रहे हैं, और हमारा एक मकसद एक उद्देश्य है कि अपने ज़िले से अपने प्रदेश में भ्रष्टाचारी को बिल्कुल ख़त्म करेंगे और आगे से उन पर कार्रवाई करेंगे। सर प्रदेश में काबिज भाजपा जो 18-20 सालों से काबिज है, क्या सर उसने पार्टी ने ऐसे कोई कार्य नहीं किए क्या सर जिससे कि उसकी लोकप्रियता बढ़ सके? क्यों सर चुनाव आ गए हैं तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी सर प्रदेश में आना पड़ रहा है सर भाजपा का प्रचार करने, वोट बैंक मांगने सर, क्या भाजपा सर स्वयं लोकल स्तर पर कोई अपना कार्य नहीं कर पाई क्या सर? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं पहले ही बोला था कि भारतीय जनता पार्टी में मंत्री रहते हैं, विधायक रहते हैं, वो तो उनके दांत के अनुसार रहते हैं, लेकिन संगठन में ऐसा कोई नहीं है, सब लोग कार्यकर्ता हैं। और ये चुनाव का मामला, चुनाव में तो सब लोग आते जाते हैं, अपने अपने प्रचार भी करते हैं, और जो संगठन तय करता है वो उनको काम करना पड़ता है। सर कल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी भी आए थे श्योपुर, तमाम कार्यों के शिलान्यास उन्होंने किए हैं। एक विरोध सर उनके काफिले में देखने को मिला कि कुछ लोग सर तख्ती दिखाकर विरोध कर रहे थे कि जो उम्मीदवार घोषित किया पार्टी ने श्योपुर के लिए वो गलत है और पार्टी से वो हार जाएंगे। ऐसा विरोध सर कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा दे सर, क्या कहते हैं आप? नहीं देखो, जिस कार्यकर्ता को टिकट मिलता है दूसरा कार्यकर्ता थोड़ा बहुत तो रुष्ट होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जिस व्यक्ति को टिकट मिलता है उस व्यक्ति की तरफ पूरे लास्ट में पूरे कार्यकर्ता एकजुट होकर के और पार्टी को विजय दिलाने का पूरा काम करें। प्रदेश में सर चुनाव आने वाले हैं, 50 दिनों बाद सर चुनाव हैं, क्या लगता है सर इस बार सरकार बनने जा रही है और बनने जा रही है, अगर बनने जा रही है तो कितनी सीटों के साथ बनने जा रही है? हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः दोबारा बनने के लिए जा रही है, बनेगी, और ऐसा सभी जगह से मालूम भी बना है पूरे प्रदेश में, और लगभग 150 सीट के करीब हमारी भारतीय जनता पार्टी। चलो, हमारे साथ जुड़े थे शहरिया विकास प्रदेश अध्यक्ष कैबिनेट दर्जा प्राप्त मंत्री तुरसन पाल बरैया जी, जिन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनने की बात कही है। अब अंततः चुनाव आने वाले हैं और चुनाव तय करेंगे कि किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है।